गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको स्नैपसीड में बैकग्राउंड चेंजिंग फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आपको स्नैपसीड ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आप जिस फोटो को एडिट करना चाहते हो उस फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसमें फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया। इसी फोटो को मैं आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है नीचे की तरफ टूल्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। और गाइस ऊपर आपको मिल जाएगा यहाँ पे टोन इमेज का ऑप्शन, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस में सिलेक्ट रहने देना है और ब्राइटनेस को आपको डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे मैं इसे 20% डिक्रीज कर लेता हूँ, -20%। और उसके बाद आपको कंट्रास्ट को भी यहाँ पे आपको इसे डिक्रीज कर लेना है, -15% इसे डिक्रीज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्बिनेंस को इंक्रीज करना है, तो इसे आपको यहाँ पे 40-50% के बीच में आपको इसे इंक्रीज कर लेना है। और यहाँ पे आपको हाइलाइट्स को डिक्रीज कर लेना है, तो इसे आपको यहाँ पे -10% डिक्रीज करना है। उसके बाद आपको शेडो को यहाँ पे इंक्रीज करना है और उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको ऊपर की साइड यहाँ पे मिल जाएगा अंडू का ऑप्शन, यहाँ पे जो एरो वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको व्यू एडिट्स में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टून इमेज पे क्लिक करना है और इस ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसे जूम करना है अपने फोटो को। गाइस जूम कर लेने के बाद आपको अपने फिंगर से इस फेस को यहाँ पे रिमूव करना है। अगर आप दूसरे जगह पे इसे रिमूव कर देते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ, तो इसे आपको यहाँ पे रिटर्न करने के लिए आपको इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो 100% है इसे आपको यहाँ पे डिक्रीज कर देना है, 0 कर देना है। उसके बाद आप जहाँ पे अदर जगह पे स्केच किए हो वहाँ पे फिर से आपको इसे स्केच कर देना है, तो यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा। तो गाइस इसी प्रकार से आपको फेस के ऊपर से यहाँ पे रिमूव कर लेना है। तो चलिए मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। इसे रिमूव कर लेने के बाद आपको नीचे की तरफ टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से बैक आना है इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। अब गाइस यहाँ पे आपको फिर इस टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेचुरेशन को इसे आपको यहाँ पे डिक्रीज करना है, इसे आपको यहाँ पे 20% डिक्रीज कर लेना है। और शार्पनेस को यहाँ पे आपको इंक्रीज करना है, इसे आपको 50-60% इसे इंक्रीज कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 60% इसे इंक्रीज कर लिया। उसके बाद टिक पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको फिर टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा डबल एक्सपोजर का ऑप्शन। सिंपली आपको इस डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन शो हो जाएगा। गाइस इसमें मैं जो भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ इसे आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको इस मटेरियल को डाउनलोड करना है। और सबसे पहले आपको इसी रेट PNG को ऐड करना है और यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डिफॉल्ट, लाइट एंड और डार्क। तो यहाँ पे आपको सिंपली ओवरले पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और गाइस फिर आपको इस अंडू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है और इस ब्रश वाले पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आपको अपने फेस को छोड़ देना है और आपको अपने ड्रेस पे इसे स्केच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप इसके यहाँ पे फेस पे स्केच कर दे रहे हो अपने फेस पे, तो इसे रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे इसे डिक्रीज कर लेना है, इसे आपको 0 कर लेना है और इसे आपको यहाँ पे फिर इस पे स्केच करना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको इसे रिमूव कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे स्केच कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ड्रेस को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ कर लेने के बाद आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बैक आना है। अब गाइस फिर आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टोन इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको शेडो पे क्लिक करना है और शेडो को इंक्रीज कर लेना है। शेडो को यहाँ पे आपको 20% इंक्रीज करना है और टिक पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको फिर टूल्स पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है और फिर गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइस आप मटेरियल डाउनलोड किए हो उसमें से आपको बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने इसे यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको इस ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे यहाँ पे आपको इंक्रीज कर देना है। उसके बाद
टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइस फिर आपको यहाँ पे अंडू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है और ब्रश पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको अपने फोटोज को जूम करना है और आपको अपने फोटो के बैकग्राउंड पे ऐसे स्केच करना है। तो इस प्रकार से आपको अपने बैकग्राउंड को अच्छे से यहाँ पे इरेज कर लेना है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फोटोज का बैकग्राउंड यहाँ पे इरेज कर दिया और यहाँ पे फोटो का बैकग्राउंड ऐड हो गया है। तो गाइस इस प्रकार से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो किसी भी फोटोज का। अब गाइस यहाँ पे आपको मैं बिफोर और आफ्टर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से बैक आना है। अब गाइस यहाँ पे आपको फिर टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है, इस गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको इस ग्लोइंग बटरफ्लाई इमेज को सिलेक्ट करना है और इस डिफॉल्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको लाइट एंड डार्क एंड बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे गाइस आपको एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसे आपको अपने फोटोज के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे एडजस्ट कर लिया। अब गाइस एडजस्ट कर लेने के बाद आपको इस टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिटेल्स पे क्लिक करना है और सेचुरेशन को आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है। इसे आपको 20% इंक्रीज कर देना है और शार्पनेस को यहाँ पे आपको इसे 40-50% इसे इंक्रीज कर देना है। तो मैं इसे 50% इंक्रीज कर देता हूँ। उसके बाद टिक पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको फोटो एडिट कर लेने के बाद आपको इसे सेव करना है अपने गैलरी में। तो सेव करने के लिए आपको इस एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये फोटो एक्सपोर्ट होकर आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो मेरे गैलरी में सेव हो गया है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।